देखिए अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और लड़ाई के मैदान में बीएसपी भी है मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से बीएसपी उम्मीदवार सलमान सईद ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया और अपनी जीत का दावा किया है सुनिए मुजफ्फरनगर की छह सीटों में से एक है चरथावल जिसमें से बसपा के इस बार के उम्मीदवार हैं सलमान सईद क्या देखते हैं इस बार क्योंकि बाकी सारी पार्टियों ने तो ऐसा माना जा रहा है कि 40 फीसदी मुसलमान होने के बावजूद हिंदू उम्मीदवार दे दिए हैं लेकिन बसपा और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है देखिए इस बार जो खास तौर से मुजफ्फरनगर का मामला है इसमें हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है लेकिन मतलब यह है कि एक लीडरशिप को ख़त्म करने की नीयत क्योंकि जो आज मुस्लिम प्लेट जो खड़ा होता था समाजवादी के साथ प्लेटफॉर्म पे कि आज वो तस्वीर साफ साफ हो गई है बिल्कुल कि बीजेपी और समाजवादी दोनों एक ही रुख का पहलू हैं। आज समाजवादी को आप देख लें, वो भी कह, कहे जाए तो वो भी बीजेपी की बी टीम है क्योंकि आज समाजवादी क्या कर रही है जो बीजेपी करवा रही है उससे वो ही कर रही है मुजफ्फरनगर देखें, या पूरा यूपी देखें, आप पूरे मुसलमानों को खत्म करने की रिवायत की जा रही है जो आरोप लग रहे हैं वो तो तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों लगातार एक ही समुदाय को रिझाने में लगे हुए हैं और एट्टी टू ट्वेंटी लड़ाई कर रहे हैं ये दोनों मिलके गेम खेलते हैं ये जो बीजेपी है ये समाजवादी दोनों मिल, मिल के ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गेम है इनका उन्हें पता है कि जो वोट का जब डिवाइडेशन होगा आधा फायदा बीजेपी को आधा फायदा समाजवादी को लेकिन ये चीज साफ तौर से अब जनता समझ चुकी है और वो इस चीज पे अब आने वाली नहीं है न बीजेपी के कहने में आएगी न समाजवादी के कहने पे जाट किस तरफ है इस बार आपके जिले में क्योंकि बहुत बड़ा एक चंक है उनके वोटर्स का देखिए जाट समाज को हम लोगों का सम्मान रहा बहुत पुराना मेरे दादा सईद मुर्तजा साहब भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे लेकिन बड़ा अफसोस ये होता है और आज जो अपमान करने का काम जाट समाज को किया गया है तो मैं तो कहूँगा जाट समाज को गठबंधन के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि आज पूरे ज़िले में जो सीटें दी गई हैं वो जाट समाज के लो, लोग लोकदल के सिंबल पे दी गई है लेकिन एक सीट जो लोकदल को दी दे दी जानी थी जाट समाज की वो भी आज समाजवादी के सिंपल भी दी गई ये साबित होता है कि अजीत सिंह और जैन चौधरी जी की जो पार्टी है आर अर, एल अर, वो भी नहीं चाहती कि उनका जाट कैंडिडेट वहाँ से जीते कांग्रेस में रहे आप आपके पिता केंद्रीय मंत्री रहे क्या जरूरत थी छोड़कर आने की बसपा में देखिए आज जो इन लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया है और जो चीज़ तोड़ने का काम किया गया है तो वफादारों की अहमियत भी कहीं ना कहीं कम हुई है तो आज बहन जी ने मुझे बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अच्छे लोग जुड़े अच्छे परिवार के लोग जुड़े और हम चाहते हैं कि मुसलमान को हम लोग मिलजुल के साथ खड़ा करें और आप लोगों को इस वजह से हम सम्मान देना चाहते हैं ग्राउंड जीरो से आपने मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट देखी ऐसी रिपोर्ट लगातार मनोज्ञा आपके सामने रखती रहेंगी और हम आपको इस सामने परोसते रहेंगे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे